सर बहुत मुबारक हो, गॉड ब्लेस यू। अब आप कुछ कहो सर, आप रो रहे हैं आज आपको सुनने के लिए। मैं तो हमसे सुन रहे एकता जी को बहुत बहुत मुबारक हो, उनके हस्बैंड को बॉडी के फ्री करने के लिए। ये आपकी ड्रीम कार थी जी, मेरी ड्रीम कार थी ऑडियो की। अब हमारी अप्लाइन के पास मर्सिडीज थी, हमारी टीम में हिंदुस्तान के पास BMW थी, तो मेरे पास ऑडियो है। वेरी गुड। अच्छा अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं बताना चाहूंगी, आज से 5.5 साल पहले वेस्टीज की शुरुआत करी, बहुत बड़ी ड्रीमर रही हूँ बचपन से, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं थी। आज तक जॉब करी, कभी भी 10,000 से ऊपर सैलरी नहीं मिली, बट आज मैं प्राउड से बोल सकती हूँ वेस्टीज मैनेजमेंट थैंक्स बोलना चाहूंगी बाली सर को, दीपक सर को एंड कन्वर सर को, जिनकी बदौलत आज मैं इस लेवल पे खड़ी हूँ। आज मेरी जो मंथली इनकम है वो 2.75 लाख रुपए महीने की है और बढ़ रही है, और बढ़ती हुई, और ये गाड़ी आने से तो अगले 2 महीने के अंदर मेरी इनकम 5 लाख रुपए महीना। और आज मैं यहाँ पे खड़े होकर कह लेती हूँ कि एक एक बंदा जो यहाँ पे आया है मेरी टीम का, जो भी वेस्टीज फैमिली का है, सबकी इनकम यहाँ पे आके 1-1 लाख प्लस की होगी, और सबकी यहाँ पे लग्जरी गाड़ी, एक एक बंदे की लग्जरी गाड़ी यहाँ पे होगी। हमारे वेस्टीज सीरियसली, आज वेस्टीज नहीं होती तो शायद आज मैं वही 10,000 रुपए में नौकरी कर रही होती, लेकिन मेरा जो सपने बढ़ाने में हिम्मत करी, जैसे हमारे बाली सर बोलते हैं सोचने की हिम्मत तो करो, डर लगता था सोचने में, बट आज वो चीज पूरी हुई है। थैंक्स बोलना चाहूंगी अपने हस्बैंड को, जिनका मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, जो एक टाइम पे मुझे ये बोला करते थे कि या तो वेस्टीज सुन ले या मुझे चुन, दोनों में से एक काम कर। मैं चाहूंगी दो लाइन में करते आपको बता रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, आपने बोला कि 10,000 रुपए की जॉब, 5.5 साल पहले आपने वेस्टीज दिखाई थी, पहला चेक कितने का आया? पहला चेक सर 157 रुपए का आया था, 100 रुपए का। तो दूसरा चेक कितने का आया? 1,094 रुपए का। तो जो पहले 2-3 महीने जो चेक आए थे 100-200 रुपए के आसपास, तो 10,000 आप कमा रहे थे, आपको ये नहीं लगा कभी, ऐसा लगा ये बिजनेस करना चाहिए? नहीं यार, यहाँ तो 100-200 रुपए के लेके आते हैं, छोड़ देना चाहिए उनको। पहले 3-4 महीने में कुछ ऐसा फॉल आया कभी? नहीं आया सर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं बहुत बड़ा कर सकती हूँ। मुझे वेस्टीज मैनेजमेंट पे विश्वास था, बिकॉज जब जब मैं सेमिनार में जाती थी, मुझे हर कोई बंदा, जब मैंने राजू गुप्ता जी को देखा, मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताना चाहूंगी, मैं सिर्फ 9 तक पढ़ी थी, 10th भी क्लियर नहीं कर पाई। जो मैं एक सक्सेस सेमिनार में गई थी, मैंने वहां राजू गुप्ता जी को देखा, जब वो बताया करते थे मेरी जो एजुकेशन है वो LLP की, कटक नटक के 5वीं पास, तब मुझे एक मोटिवेशन आई, जब ये 5वीं पास कर सकते हैं तो मैंने तो फिर भी नौकरी कर रखी है। शुरू के 3-4 महीने पहले 1 साल का कितना चेक पॉइंट था? पहले 1 साल का जो चेक था मेरा वो 1,75,000 लगभग, जो एवरेज और लेवल क्या हो चुका था? लेवल क्या हो चुका था? मेरा लेवल जो था वहाँ पे स्टार डायरेक्टर का था। स्टार डायरेक्टर में तकरीबन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पहले साल ऑलरेडी एक तरह ले चुकी थी, राइट? और ऑटोमेटिकली जब 1.5 लाख रुपए की इनकम आ जाती है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, बिलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? उसके बाद दूसरे साल और क्या क्या ऐसा करना शुरू किया, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी फीमेल्स भी देख रहे हैं, राइट? तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक मैसेज कि आपने ऐसा क्या किया जो इनकम एवरी ईयर बढ़ती चली गई और आज एक बॉडी एक थी आपके साथ। तो एक मैसेज फीमेल्स के लिए, ये भी वो एजुकेटेड हो ना हो, बट एक बिजनेस कैसे कर सकती है चीज के लिए, मेरे साथ ये सोचा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मुझे जो मेरे को अपना नेम फेम चाहिए था, तो मुझे मेरी पहचान चाहिए, हमेशा शादी से पहले इनकी बेटी है, फिर इनकी बहू है, इनकी माँ है और इनकी बीवी है, मुझे वो चीज नहीं जलानी थी, मुझे चाहिए थी मेरी पहचान। आज बहुत प्राउड से कह सकती हूँ, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, एकता कैरियर के नाम से जानते हैं, वो सब वेस्टीज मैनेजमेंट की वजह से पूरा हो पाया है। एक मैं मैसेज देना चाहूंगी, जो मैं हर अपने सक्सेस सेमिनार में बताती हूँ, घोषणा बनाने को, स्पेशली फीमेल्स के लिए, घोषणा बनाने को इतने मशगूल हो गए, घोषणा बनाने को इतने मशगूल हो गए, उड़ने को पंख है हम ये भी भूले। एक्सीलेंट, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैम ने दिया है, जितनी फीमेल्स है जो हाउसवाइफ है या कोई भी जॉब करती है, साथ में पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं, राइट? मैम ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर तकरीबन 1.5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी बताया कि 2.75 लाख रुपए 5.5 सालों पे ये पहुंच चुके हैं, और ये तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भी ये बिजनेस करते करते आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक टाइम पे बना सकते हैं। और मैम जैसे एक ड्रीमर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रीम गोल में परिवर्तित करिए और गोल 98% ऑटोमेटिकली आपके पूरे होते ही होते हैं।
मैम ने भी यही लिया, काम किया और आज यहाँ पे एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मैम को, पूरी फैमिली को, हेल्पमेंट को जो सपोर्ट करते थे, और यही कहना चाहूंगा कि आज धीरे धीरे व्यक्ति नाइन टेबल यूथ पे, वुमेन पे और ईच एंड एवरी पर्सन पे आज काम कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस, विश यू बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। कहना चाहूंगा कि देखो हम सपने सब देखते हैं, वो सपने तभी सच्चे होते हैं अगर हम उनके लिए उन पर काम करें, और एकता जी ने जिस तरीके से परसिस्टेंट और बहुत ही हार्डवर्क किया है उन्होंने, अगर आप हार्डवर्क करते हो वैसे ही कमजोर होते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते हैं, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, आप सिस्टम को फॉलो करते हैं और आपके ड्रीम जरूर सकते होंगे, यहाँ पे राइट प्लेटफॉर्म पर यू कैन कन्वर्ट योर ड्रीम सेक्टर, यहाँ वही आज इन्होंने करके दिखाया है। अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, तब भी इन्होंने वैसे के सिस्टम को अडॉप्ट किया, वैसे की एजुकेशन को अडॉप्ट किया, उसी से आज ये सफल हो पाई है। यही मेरा मैसेज आप सबके लिए कि अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो कम एंड जॉइन वेस्टिंग, वैसे के सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए, एंड यू कैन बिकम सक्सेसफुल एंड यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। Thank you.